नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये बुल कंपनी की HD76 बैकहो लोडर कम है मशीन है, और ये सलमान जी हैं। ये पिछले 9 साल से ये जेसीबी वगैरह ये चला रहे हैं, इनसे इसका रिव्यू लेते हैं जो इसका चलाते हैं। नमस्कार सलमान जी, थोड़ा सा जैसे अपने बारे में बताओ, आप क्या नाम है अपना और एड्रेस क्या है? मैं सलमान जी। हाँ, थोड़ा तेज बोलोगे जी? सलमान जी मेरा नाम। हाँ, और ये जो आप बैकहो लोडर है जो बुल कंपनी की HD76, आप ये कितने दिन से चला रहे हो? इसे करीब 6 महीना हो गया। अच्छा, चलाते जी 6 महीने से आप इसको चला रहे हो। हाँ, और आप कितने साल से, जैसे कि आपने बताया 9 साल से आप चला रहे हो? 9 साल से हम मतलब मशीन चला रहे हैं, इस लाइन में है। अच्छा अच्छा, तो कई कंपनियां चलाई है हमने। तो कौन कौन सी कंपनी चलाई है? चलाई है ESCORT कंपनी, चलाई है ट्रैक्स की भी चलाई है। अब लास्ट में 6 महीने से इसे चला रहा हूँ। तो जैसे अपना 9 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के दौरान आपने सबसे बढ़िया जो एक्वेटर लगा है, बैकहो लोडर लगा है, कौन सी कंपनी का लगा? मुझे अभी यही लगा है बुल का। इसमें ऐसा क्या है, खासियत क्या है इसमें? खासियत है मतलब हर चीज, मतलब टेक्नोलॉजी दे रखी है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, चलाने में भी अच्छा लगता है। और जैसे आप चलाते हो वहाँ बैठ के, तो सारी सामान, सारा कुछ विजिबिलिटी सब कुछ दिखते है एकदम मल्टी बढ़िया है। और 6 महीने के अंदर क्या कोई मेंटेनेंस आई है इसकी एक्स्ट्रा? कोई मेंटेनेंस नहीं आई है इसकी, सिर्फ सर्विस के अलावा। सर्विस हुई है। आपने लगातार कई घंटे चलाई है कम से कम इसको? हमने चलाई है करीब, ये चल चुकी है मेरे ख्याल से 800 कुछ घंटा चल चुकी है। नहीं, एक बार जैसे ये तो 800 घंटे चल चुकी है, एक बार जैसे आपने स्टार्ट करी सुबह से शाम तक कंटिन्यू कितने घंटा टाइम तक चलाई आपने? ध्यान 9 घंटा 8 घंटा चलाई। 8 घंटे 9 घंटे चलाई है। आपने थकावट कैसी क्या लगी इसमें? थकावट नहीं लगती इसमें, थकावट नहीं होती इसमें। जैसे अंदर जैसे अपना लीवर वगैरह है जो स्मूथ है, बिल्कुल आसानदायक है, बिल्कुल स्मूथ है वो चलता। और स्पीड कैसी क्या है? जैसे अपने प्रेशर जो पंप है इसका अपना, जैसे अपना ये नीचे करना, ऊपर एक्वेटर है जो घुमाना है, रोटेट करना है, लोड करना, तो छोड़ना, काफी स्पीड है इसमें, बहुत बढ़िया स्पीड भी है इसकी। अच्छा अच्छा, काफी अच्छी स्पीड के साथ में चल रहा है ये। और प्लेटफॉर्म जैसे आप, कई बार ऐसा भी होता है जैसे जो कैबिन है, कई बार ये होता है साइट पे रुकना पड़ता है, रात को वहीं सोना पड़ता है, तो क्या उसके हिसाब से ये कैबिन ऐसे डिजाइन के आप इसके अंदर सो सकते हो? सोने वाने सो सकते हैं आराम, काफी स्पेस है इसके अंदर, काफी स्पेस। अच्छा, एक आदमी या दो आदमी? दो आदमी भी सो सकते हैं। अच्छा, दो आदमी थोड़ा सा परेशानी होगी। हाँ, एक आदमी आराम, बिल्कुल आराम, खुला होगा, सो सकते हैं। और जैसे आप चलाते हो गर्मियों वगैरह में, गर्मी वगैरह चलाते हो जो इसका डोर वगैरह खोलने पे, जैसे ये तो नॉन एसी है, एसी की तो बात ही अलग है, और तो नॉन एसी में जैसे आप ये दरवाजे वगैरह खोल लेने के बाद कैसा, ज्यादा गर्मी लगती है? हवा आराम से, हवा आती है, गर्मी नहीं लगती है। अच्छा, गर्मी नहीं लगती। और एवरेज वगैरह क्या देती है जैसे अपना एक्वेटर में अगर हम बात करें तो? एवरेज तो ठीक है इनका अभी। हाँ, एक्सीवेटर में जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा वही 4 लीटर तेल लेती है, 4 लोडिंग में ज्यादा। अच्छा, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर लेगी है एक्वेटर में, एक्सीवेटर में। हाँ हाँ, और लोडर में अपनी, हम लोडर चला रहे हैं ज्यादा, कितना भी दबा के चला लेंगे तो कम से कम वही 6 लीटर। अच्छा, 6 लीटर एवरेज वगैरह। इंजन की जो जैसे आप चला लोडर चलाते हो तो इंजन दबने का कोई चांस है? दब जाता है या नहीं दबता? बिल्कुल नहीं दबता इंजन, कोई इंजन इंजन दबने का कोई चांस नहीं, कोई चांस। मतलब जैसे आपने अपने अपने अनुभव के अनुसार आपने और भी चलाई, ये भी चलाई है, तो आप किसी अगर बंदे को अगर सजेस्ट करोगे भाई कौन सी आर वे ये बैकहो लोडर लेनी चाहिए आपके हिसाब से? तो यही सलाह देंगे जी, बुल की ले। अच्छा, बुल की ले, क्योंकि आपने 3-4 चलाई भी है पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस भी है, और 6 महीने से आप ये भी चला रहे हो जी। जैसे भाई आदमी का आरामदायक भी है, और रेट जो इसका अपना 23 लाख रुपये के स्टार्टिंग शोरूम प्राइस है इसका अपना, और आपने और भी काफ़ी बड़ी कंपनियों के आर ये बैकहो लोडर चलाई है, तो आपके हिसाब से ये बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर जैसे आपने क्या क्या, सिर्फ ये बैकहो लोडर एक्वेटर चलाया है, अगर कोई ड्रिल वगैरह भी मशीन भी चलाई अभी तक? ड्रिल तो अभी तक नहीं चलाई हमने। अच्छा अच्छा, सिर्फ इसी पे यही चलाया आपने अभी तक? चलो जी, थैंक यू सलमान जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे बैकहो लोडर थी बुल कंपनी की HD76। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।